सो क्या है भाई एंड कैसे हो आप लोग एंड उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो क्या सीन है कि सब बोल रहे हैं कि BGMI बैन होने वाला है और न्यूज़ भी निकल के आ रही है काफ़ी सारी, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स न्यूज़ गेर रहे हैं कि BGMI बैन होने वाला है दोबारा से इंडिया में एंड BGMI डिसकंटिन्यू होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि डिसकंटिन्यू BGMI होगा या नहीं होगा? तो टेंशन मत रहो, तुम्हारा भाई है ना सब कुछ बताएगा तुम्हें इस वाली वीडियो में। और भाई मैं ना पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड BGMI से रिलेटेड, बैन से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि भाई पहले मैंने YouTube पे सर्च किया एंड सबकी वीडियो देखी, उसके बाद मैं डिसीजन लेके एक वीडियो बनाया ताकि आपको एकदम क्लियर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। सो इसके तीन फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से BGMI बैन हो सकता है। तो पहला फैक्ट क्या है कि सीमा हैदर जो कि पबजी खेल के यहाँ पे इंडिया में आई थी अभी के टाइम पे, एंड इस वजह से गेम को बैन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सिंपली रीज़न कुछ नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर जो थी वो पबजी खेलती थी ना कि BGMI, एंड सचिन जो था वो भी पबजी खेलता था ना कि BGMI, ठीक है। तो मैं दोनों पबजी खेल के इंडिया में आए थे ना कि BGMI खेल के, ठीक है। तो ये वाला रीज़न मेरे को इतना बेस्ट लगा नहीं BGMI को बैन करने के लिए, क्योंकि पबजी एक अलग गेम है एंड BGMI अलग गेम है, ठीक है। तो पबजी पूरे ऑल इंडिया में ऑल देश में वर्क करता है एंड BGMI ओनली इंडिया में चलता है, ठीक है। तो इससे मेरे को पॉइंट वैलिड लगता नहीं है कि इससे BGMI बैन होगा और इससे कोई घंटा भी फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मुझे वैलिड लगा नहीं, अभी चल रहे थे दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक न्यूज आई थी निकल के कि कोई बच्चा अपनी मदर पे अटैक कर देता है BGMI खेल रहा था, मतलब तो समझ रहे होगे तुम, BGMI खेल के अटैक करता है अपनी मदर पे, तो ऐसा कुछ सीन होता है। तो ये क्या पॉइंट लगता है आपको, मतलब कि कोई बच्चा अपनी मदर पे क्या BGMI की वजह से अटैक कर सकता है? भाई नहीं कर सकता यार, अगर कोई बच्चा अपनी मदर फादर पे BGMI खेल के अटैक कर रहा है तो भाई वो मानसिक रूप से मतलब कि बेकार है एंड उसका दिमाग भाई थोड़ा टसन में है, ठीक है। तो उसको डॉक्टर वगैरह का दिखाओ, ऐसे कोई न्यूज़ ये सब न्यूज़ फेक है, ठीक है। और कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा कोई भी हो भाई BGMI खेल के कोई भी अपने माता पिता पे नहीं कर सकता भाई अटैक, क्योंकि यार गेम है, वो गेम किस तरीके से खेलना चाहिए। एंड भाई तुम अपने पे ही ले लो, जैसे कि तुम हो तो यार तुम्हें भी तो काफ़ी ज़्यादा समझ होगी, एंड तुम अपने माता पिता पे छोड़ो, तुम किसी अपने दोस्त पे भी अटैक नहीं कर सकते BGMI खेल के। तो यार BGMI एक अलग नॉर्मल चीज़ है, इंजॉय की चीज़ है एंड गेम एक एंजॉय की चीज़ है, तो इंजॉय करना चाहिए एंड ना कि अटैक वगैरह। तो ये न्यूज़ मेरे को इतनी वैलिड लगी नहीं, तो मेरे को लगता नहीं है कि इससे भी BGMI बैन हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट वैलिड नहीं है BGMI बैन करने के लिए, ठीक है। और क्या सीन है कि मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त खेलते हैं, बट गेम में गुस्सा भी आता है, बट कभी कभी आता है और वो गुस्सा आज तक बाहर नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ही है कुछ सीन, तो गेम तो होते रहते हैं, कोई नहीं। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट पे एंड ये पॉइंट भी वैलिड नहीं रहेगा, तो ये पॉइंट वैलिड रह सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो BGMI डाटा कलेक्ट कर रही है तो उससे ये हमारी कंट्री पर साइबर अटैक कर सकते हैं, मतलब कि हमारी कंट्री पे साइबर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इसका डाटा USA से जुड़ा है एंड हमारा डाटा इंडिया का डाटा किसी अदर कंट्री में जा रहा है, तो भाई इससे BGMI बैन हो सकता है। एंड ये पॉइंट भाई 100% वैलिड है, क्योंकि इसी वजह से पिछली बार भी गेम बैन हुआ था, आपको पता होगा। तो भाई ये पॉइंट में कुछ दम है एंड इस पॉइंट की वजह से BGMI बैन हो सकता है, तो भाई इसके पॉइंट के लिए कुछ कह नहीं सकते। अगर BGMI तो अगर डाटा के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है एंड डाटा हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है, तो भाई BGMI को बैन होने से कोई नहीं रोक सकता, BGMI बैन हो जाएगा एंड कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हमारा डाटा सेफ नहीं है तो BGMI बैन हो जानी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम और कोई गेम खेल लेंगे। तो भाई ये था तीसरा पॉइंट एंड मेरे को लगता नहीं है कि ये गलती दोबारा से करेंगे। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिए क्या क्या रीजन है, एंड भाई यहाँ पे लिख भी रहा है कि BGMI को बैन कर देना चाहिए एंड BGMI बैन हो जाना चाहिए, डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए। अगर तो BGMI डिसकंटिन्यू इंडिया में हो गया तो भाई ये समझ लो कि इंडिया में गेम दोबारा से कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इंडिया में दोबारा से गेम कभी नहीं आने वाला अगर एक बार डिसकंटिन्यू हो गया, तो देखते हैं अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ हफ्तों में आपको पता लग जाएगा बैन होगा कि नहीं होगा बैन। और हाँ, अगर गेम मार्च में सर्वाइव कर जाता है तो भाई BGMI कभी बैन नहीं होने वाला, टेंशन मत लो तुम। और अभी गेम चल रहा है तो अभी चिल मार के खेलो, अपना रैंक पुश वगैरह करो, जो करना है तुम्हें वो करो, अभी आराम से खेलो, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो ID की। तो ID जागी तो सबकी जागी, एक अकेले बंदे की नहीं जागी, ठीक है। तो तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं, एक से एक नई नई धासू धासू वीडियो। तो अगर तुम्हारे भाई का कंटेंट तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगे या क्रिएटिव लगे तो अपने भाई को एक सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी 20 सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एंड करा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।